राव साहब, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में अब ये एक इमेज बन रही है कि वो फैसले लेने में बड़ी देरी करते हैं। ये सच है, वो हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं है, सरकार में पहली बार आए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक से काम भी नहीं हम कर पा रहे हैं ये कोविड की वजह से। दूसरी बात है, आज हमारे सामने बहुत ही तगड़ा अपोजिशन है और जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, कांग्रेस, शिवसेना, NCP, ये तो लोगों को चमत्कार लगता है कि सरकार कैसे बनी। सचिन वाजे तो हमारे पास हमेशा आता जाता भी रहता था उस वक्त। ऐसे बहुत से अफसर हैं पूरे देश में, शुरुआत में तो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन जब उससे गलती होती है तो गलती माननी चाहिए ना। महाराष्ट्र फिर एक बार खबरों में है और जिन वजहों से ये राज्य फिर से खबरों में छाया हुआ है उस बारे में बातचीत के लिए, बेबाक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय राउत, शिवसेना के सांसद और शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक। राउत साहब, ABP न्यूज में आपका स्वागत है। राउत साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या कुछ ऐसा हुआ कि आज महाराष्ट्र फिर से खबरों में है और महाराष्ट्र सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं? देखो, मैं एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र हमेशा खबरों में रहता है और जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, कांग्रेस, शिवसेना, NCP, ये तो लोगों को चमत्कार लगता है कि सरकार कैसे बनी। तब से महाराष्ट्र हमेशा खबरों में रहा है, खबरों में लाने की कोशिश होती है क्योंकि एक एक महीने में हमारे जो अपोजिशन के हमारे सब दोस्त है, एक एक महीने के बाद एक नया तारीख देते, अब सरकार गिरेगी, अब सरकार गिरेगी, अब NCP हमारे साथ आएगी, अब इतने ML हमारे साथ आएगी, तो ये खबरें बनाते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसे कारण हमारे सामने आए हैं तो उससे ज़्यादा खबर बनी और खबर तो मीडिया को भी लगती है, इतना शक्तिमान बन गया है हमारा मीडिया और मीडिया का ऊपर जो कंट्रोल्स है कुछ लोगों का या सोशल मीडिया है तो खबरें बनती। लेकिन ऐसे खबरें बनने से या खबरें बनाने से अगर किसी को लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार पर आंच आ जाएगी या सरकार को कुछ धोखा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो, अब खबरें भी शांत हो गई और सरकार वापस चल रही है। बात रही, आप जो मुझे मालूम है आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो, अभी उसमें तो जान चल रही है, NI आ गई है, ATS का काम चल रहा है और सरकार ने एक्शन भी ली है। मुंबई पुलिस कमिश्नर का तबादला हुआ है, कुछ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हो गए हैं, उससे ज़्यादा सरकार क्या कर सकती है, कोई भी सरकार। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि आपकी सरकार के जो घटक दल के झगड़े हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अभी आप ही का रोक ठोक, अभी जो आपने बीते रविवार को लिखा उसमें ही आपने सीधे सीधे गृह मंत्री को टारगेट किया है, अनिल देशमुख को टारगेट किया और आपने कहा कि सचिन वाजे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में बैठकर वसूली कर रहा था और उनको पता तक नहीं चला। इसके बाद में उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया, उनकी तरफ से कहा गया कि आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। बराबर है, मैं ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, उनकी बात सही है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि अनिल देशमुख हमारे मित्र है, हमारे साथी है, गृहमंत्री है महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के, और उनको इतना बड़ा जिम्मा भी मिला है उनके पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो किसी को भी लगता कि मेरे बारे में ऐसी खबर। लेकिन खबर हमने नहीं चलाई है, ये लिखे परमवीर सिंह ने लेटर लिखा है, हम मानते हैं ये सब झूठ है। फिर भी बात ऐसी है जितेंद्र कि आपको ज़्यादा सावधानी से काम करना पड़ता है बड़े राज्य में। सचिन वाजे को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, आपको मालूम है सभी को, मैं तो मेरे पुलिस हो या सब मैंने काम किया है पत्रकार के रूप में। आप क्राइम रिपोर्टर रहे, कई साल तक आपने क्राइम रिपोर्टिंग की है सामना से जुड़ने से पहले? हाँ, 40 साल पहले या 45 साल पहले हम लोग ये काम करते थे, अच्छा और मज़ा भी आता था। आज भी मैं संपर्क रखता हूँ, रखना भी चाहिए, जब राजनीति में है, पत्रकारिता में, तो संपर्क रखना चाहिए। तो मुझे बहुत खबरें आती है, मैं उन सुनता हूँ, बताता हूँ। जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी ऐसा लगता है कि स्टेट के लिए, पब्लिक के लिए अगर मेरे पास कोई जानकारी है तो मैं सरकार को या पुलिस को खबर देनी चाहिए। मैं आज भी करता, उस वक्त भी करता था, आज भी करता हूँ।
सचिन वाझे तो हमारे पास हमेशा आता जाता भी रहता था उस वक्त, सबको मालूम है, हमारे पार्टी में भी उसने एक बार प्रवेश लिया था। लेकिन जब उनको फिर 17 साल के बाद अगर सर्विस में आप रिइंसिस्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता था कि उसको नौकरी में लेने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अधिकार जिस प्रकार से देने की कोशिश हो रही थी या देना चाहते थे, मुझे लगता था ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, अगर सरकार चाहती है तो सरकार कर लेती है, या सरकार के जो आसपास लोग होते हैं या कोई होम मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री हो या पुलिस प्रशासन हो या GED हो, ये उनका अधिकार होता है। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि थोड़ा कुछ गलत हो रहा है या उससे हमको आने वाले दिनों में तकलीफ हो सकती है, ये मेरी राय है, ये सरकार की राय होगी नहीं होगी मुझे मालूम नहीं। तो सर आपने अपनी ये जो राय है सचिन हाँ, वाजे को आप जानते हैं, तो मतलब आपको सचिन वाजे के कैरेक्टर में क्या गड़बड़ी लगी और आपने किस बात कैरेक्टर की नहीं है, ही इज गुड ऑफिसर। मैं देखो आप लोग मुझे बोलते आपने कहा था गुड अच्छा ऑफिसर है, अफसर तो अच्छा ही होता है, काम तो वो लोग अच्छे करते हैं लेकिन गड़बड़ जाते हैं बाद में। ऐसे बहुत से अफसर हैं पूरे देश में, शुरुआत में तो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन एक ऐसा कोई झटका उनको भी लगता है, वो भी सरकार को देता है, तो हमको लगता है ये तो गलत है। काम जब अच्छा करता है तो अच्छा ही होता है, जब उससे गलती होती है तो गलती माननी चाहिए ना। तो मुझे लगा कि ये बाद में जो सुन रहा था, हम लोग सब सुन रहे थे, वो सबको उसकी इन्फॉर्मेशन सरकार में होनी चाहिए, अगर होगी और आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया है, उसका परिणाम आज सरकार और स्टेट का नाम जो खराब थोड़ा हुआ है उसकी वजह से हुआ है ये सब प्रॉब्लम से। लेकिन हम इस गलती से हम बहुत कुछ सीखते हैं अभी। तो राउत साहब आपने सचिन वाजे के बारे में क्या कुछ नेताओं को आगाह किया था और कि ये देखिए मेरा काम है, आपने क्या बताया था सचिन वाजे के बारे में? देखिए ये मेरा काम है, अगर ये सरकार लाने में बनाने में भागदौड़ करने में हमारा थोड़ा बहुत हिस्सा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारी सरकार है, तो अगर कोई चीज़ ऐसी होती है मेरे सामने या मेरे कान पे आती है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ये जो प्रमुख लोग बैठे हैं उनके साथ ही शेयर करें। लेकिन उसको कोई आधिकारिक दर्जा नहीं होता है क्योंकि मैं कोई सरकार तो का। आपने क्या उनके स्वभाव के बारे में, कार्यशैली के बारे में बताया था? वो तो बातचीत होती है ना, अगर कोई हमसे पूछता है तो बातचीत होती है, देखो ऐसा ऐसा हो सकता है जी। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं मेरी बात रखता हूँ सामने, क्योंकि मैं एक जैसा आपने क्या विभाग लिखने वाला और बोलने वाला आदमी हूँ, मैं मेरे मन में कुछ रखता नहीं दबा के, जो लगता है मुझे भला हो बुरा हो मैं बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, जिसको जिस संदर्भ में वो लेना है वो ले सकते हैं। आज भी मैं जब बोलता हूँ कि हाँ मैंने कहा था, तो बोले कि क्या आपके पास एविडेंस है कि आपने बोला था, जाके पूछो किसी को भी, किसी भी 5 नेताओं को जाकर पकड़ो, और वो ही बोलेगा हाँ ये बात तो सही है। कि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि हमको ये सरकार को, पुलिस प्रशासन जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है सरकार की किसी, तो उनको जब हम उनसे डील करते हैं तो बहुत ही संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं तो बहुत सावधान रहना पड़ता है, खास करके जब सरकार आघाड़ी की होती है। 3 अलग अलग विचारधारा की सरकार है यहाँ, तो बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। तो ठीक है अब जो हुआ वो हो गया, मैं बोलता उसको भूल जाना चाहिए, अब NIA जांच कर रही है, आपको दर दिन आप स्टोरी देख रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है राउत साहब। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है जो इस पूरे प्रकरण से सामने आया कि वो रश्मि शुक्ला ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी फोन टेपिंग के आधार पर कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा था और किस तरह से पॉलिटिकल बॉसेस के थ्रू ये सारा करवाया जा रहा था, तो उल्टा विसल ब्लोअर के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। जिस आदमी ने सब कुछ उजागर किया, जिस महिला ने उजागर किया, कौन है विसल ब्लोअर यहाँ पर? रश्मि शुक्ला को विसल ब्लोअर के तौर पर आप कैसे बोल सकते हैं?
अधिकारी को, जो अधिकारी का जो आपने क्योंकि नाम उसने लिया, आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट यही सौंपी है। यही वो अधिकारी है जो 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 सरकार बन रही थी उस वक्त हमारी महाविकास आघाड़ी, तो अपने पद पर बैठे हुए इंडिपेंडेंट एमएलए को फोन कर कर के वो धमका रही थी कि आप शिवसेना बीजेपी की, आप कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की जो सरकार बन रहे हैं उनको सपोर्ट मत करना, आप तकलीफ में आ जाओगे, धमका रही थी। ऐसे लोगों को मैं विसल ब्लोअर नहीं मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ ये बीजेपी की एजेंट थी। अब ये सामने आया है, ये तो पूरा मामला खुल गया है कि ये लोग अपने पद पर बैठे हुए किसको मदद कर रहे थे और किसके फेवर में रिपोर्ट देना चाहते थे, या ये रिपोर्ट की किसको मदद हो सके। लेकिन जो रिपोर्ट में लिखा है उसने, उस हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं है, तो रिपोर्ट गलत है। वो जो ट्रांसफ़र की बात है या प्रमोशन की बात है या पोस्टिंग देने की बात है, जो उस रिपोर्ट में जो लिखा है, ऐसा कुछ प्रत्यक्षात हुआ ही नहीं है। राउत साहब, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में अब ये एक इमेज बन रही है कि वो फैसले लेने में बड़ी देरी करते हैं। कहां पर जल्दी उन्हें फैसला लिया नहीं जाना चाहिए? अभी देखिए, संजय राठौड़ का मामला हुआ, या फिर परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने का मामला हुआ, या फिर अब कोविड से डील करने के लिए जैसे लॉकडाउन का मामला है, तो इन तमाम उदाहरणों को देते हुए ये आरोप लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे फैसले लेने में, डिसीजन मेकिंग में ढिलाई बरतते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है, देखिए थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, ये सच है। वो हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं है, सरकार में पहली बार आए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं। एक साल तक उनका पूरा समय गया है ये कोविड से लड़ने में या और सब बातों पर, ठीक से काम भी नहीं हम कर पा रहे हैं ये कोविड की वजह से। दूसरी बात है अपोजिशन के जो लोग हैं, आज हमारे सामने बहुत ही तगड़ा अपोजिशन है, ये मानना चाहिए, तगड़ा अपोजिशन है बहुत। 105 एमएलए है अपोजिशन में, और भी कुछ उनके साथ हो सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो 5 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और आज अगर वो एलओपी है, लेकिन उनका जो बर्ताव है वो सीएम इन वेटिंग जैसा ही है हमेशा। तो कुछ ना कुछ हमेशा ऐसे झंझट निकालते हैं, तो सरकार को बहुत सावधानी से काम करना पड़ रहा है। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि सरकार को गति मिलनी चाहिए या फास्ट जाना चाहिए या फाइलें धड़ाधड़ क्लियर करना चाहिए, कौन सी फाइलें क्लियर करनी है, क्या करनी है, जो निर्णय लेने होते हैं जनता के या सरकार के हित में वो तो निर्णय हो रहे हैं। और कोई किसी की बात करता है किसी पर्सनल इंटरेस्ट की, उसमें उद्धव ठाकरे साहब को मैं पहचानता हूँ, ऐसे काम वो कभी नहीं करेंगे। हाल फिलहाल में खबर आई, हालांकि आप ही ने उस चीज का खंडन किया कि एक मुलाकात हुई अमित शाह और शरद पवार जी के बीच में। अमित शाह ने कंफर्म तो नहीं किया कि उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने एक सस्पेंस जरूर क्रिएट कर दिया ये बोलकर कि मीटिंग की बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं, तो एक भ्रम पैदा करने की आपको देखिए लगता है भ्रम, कोशिश? देखिए ये भ्रम पैदा करके महाराष्ट्र की सरकार को अगर वो घेरना चाहते हैं या अस्थिर करना चाहते हैं तो उनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। जब मुझे पता चला इस प्रकार की कोई बैठक हुई है, तो मुझे आप लोगों ने सवाल किया, तो मैंने कहा कि अगर इस प्रकार की बैठक हुई है, देश के गृह मंत्री और आदरणीय शरद पवार जैसे बड़े नेता में, तो उसमें गलत क्या है? दो हम भी मिलते हैं गृह मंत्री जी से, गलत क्या है? कोई गलत नहीं। एक उद्योगपति के घर में मिले, अब उद्योगपति का नाम भी सबको मालूम है कौन उद्योगपति है। अब अगर उनको मिलना ही है पवार साहब को, तो रात के अंधेरे में अहमदाबाद में क्यों जाएंगे उस उद्योगपति के घर में? उस उद्योगपति का तो दिल्ली में भी घर है, उस उद्योगपति का मुंबई में भी घर है ना, और दिल्ली में मिलना तो बहुत ही सेफ होता है, आसान होता है। तो रात के अंधेरे में सुनसान गलियों में एक शहनशाह क्या है ये? तो एक गलत है। तो मैंने कहा कि गलत नहीं, लेकिन मुझे बाद में पता चला, मेरी जब पवार साहब से बातचीत हो गई और उसने कहा कि संजय ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और मैं पवार मतलब साहब मीटिंग ही नहीं हुई है, पवार नहीं साहब हुआ, का कहना था। मैं उनके ऊपर हमेशा विश्वास रखता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ। जब पवार साहब ने ये कहा कि इस प्रकार की कोई मीटिंग हुई
नहीं और ना कम्युनिकेशन हुआ है अहमदाबाद में। तो मैंने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूँ मीटिंग नहीं हुई है, बस। सर राउत साहब, ये बार बार ये सवाल उठता है कि सरकार के घटक दलों के बीच में गड़बड़ चल रही है, कांग्रेस भी बीच बीच में, कांग्रेस ने आप पर भी निशाना साधा, साधने दो, ये बोलकर कि आप शरद पवार के प्रवक्ता बनकर बात ना करें, इस तरह के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं, तो कांग्रेस का रुख जो है कुछ आपको गड़बड़ इन दिनों होता नजर नहीं आ रहा है? देखिए, मैं शरद पवार का प्रवक्ता अगर हूँ, अगर किसी को लगता है तो गलत क्या है? अगर एक कोई बात मैं उनकी तरफ से रखता हूँ या उनका मैं समर्थन करता हूँ, सभी ने करना चाहिए। अगर वो कोई बात पवार साहब रखते हैं, वो सरकार जो बनी है महाराष्ट्र में, उनका लीड रोल जो है शरद पवार साहब का है, ज़रूर शिवसेना है या कांग्रेस है, लेकिन जब शुरुआती बातचीत उसमें मैं था और पवार साहब थे और हम ये कोशिश कर रहे थे कि या क्या ये हो सकता है, लीड रोल पवार साहब का रहा, सोनिया जी का रहा, बाद में हम तो है, उद्धव ठाकरे जी है, हम सब है। तो जो बात कांग्रेस के लोग हमारे भाई कहते हैं मेरे बारे में, उनको कहने दो, वो भी हमारे मित्र हैं, उनको भी कुछ काम चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, बात चल रही है कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार और लॉकडाउन लगाया जाएगा, अगले हफ्ते तक उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन का ऐलान होगा, लेकिन इस लॉकडाउन को लेकर के सरकार के घटक दलों के बीच में ही विवाद सामने आ रहा है। एनसीपी कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, बीजेपी तो कह ही रही है, एनसीपी कह रही है, भी कल आनंद महिंद्रा का भी ट्वीट आ गया कि लॉकडाउन से उसकी मार जो है गरीब मजदूरों पर पड़ेगी। ये बात सही है, ये बात सही है। जब लॉकडाउन लगता है तो क्या जनता ने भोगा है, आपने देखा है जी, जो स्थलांतरित मजदूर होते हैं, प्रवासी मजदूर बोलते हैं आप उसको, गरीब लोग होते हैं, रोजी रोटी दर दिन कमाने वाले हैं, उनकी क्या हालत है? उनका कोई सहारा नहीं होता ऐसे समय में। उस वक्त लोगों ने मदद किया खाने की, पीने की, रहने की। अब ये दूसरे लॉकडाउन में कुछ नहीं हो सकता, लोग बहुत परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है, नौकरियां चली गई है लोगों की, सब सर्विस इंडस्ट्री बंद है, होटल, मॉल्स, सब कुछ बंद चल रहा है। 8 बजे के बाद तो पूरा श्मशान होता है। ऐसे में अगर वापस लॉकडाउन होता है तो देश की, राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी ख़त्म हो जाएगी, नए संकट को सामना करना पड़ेगा। लोग सड़क पर भी उतर सकते हैं, आपने देखा नांदेड़ में कल क्या हो गया, ये तो एक ट्रेलर है, होना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनका भी कहना है कि जनता ने अपने आप को एक डिसिप्लिन लाना चाहिए। आप नहीं करते, आप भीड़ में जाते हो, आप भीड़ करते हो, आप शादियाँ करते हो, आप समारोह करते हो, तो आप मास्क नहीं पहनते, आप कुछ नहीं करते। तो ये कोई सरकार अगर निर्णय लेती है तो जनता के हित में ले। हम सब कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन को हम नहीं लाए या ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर निर्बंध डालकर लोगों को हम अलग रखेंगे। लेकिन बात ऐसी है महाराष्ट्र की, 30,000 पूरे राज्य में पर डेली हो रहा है संक्रमण, 40,000 मुंबई में 7,000-8,000 तक आंकड़ा जा रहा है। तो उसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, महाराष्ट्र में हम टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं इसलिए आंकड़े आ रहे हैं, और राज्यों की मुझे मालूम नहीं क्या खबर है ये। तो मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह से लॉकडाउन होगा, लेकिन ज़रूर कुछ निर्बंध डालने पड़ेंगे। धन्यवाद राउत साहब एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना संजय राउत को, जो बड़ी ही बेबाकी से मौजूदा घटनाक्रम के बारे में हमें बता रहे थे महाराष्ट्र में जो कुछ भी इन दिनों चल रहा है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।